हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इसी प्रकार हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री का अलग वीडियो में, ज्योग्राफी का अलग वीडियो में, पॉलिटी का अलग वीडियो में, साइंस का अलग वीडियो में और हिंदी का अलग वीडियो में। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और जब हमारा यह इंग्लिश का सेशन समाप्त हो जाएगा तो सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही खाली स्थान है, कंसल्ट ए डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही मॉडल वर्ब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार से प्रश्न आपके आने वाला जो पेपर है 14 और 21 मार्च को, उसमें भी पूछा जाएगा। तो बस आपको जो है पैटर्न समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन पार्ट। ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसका फ्रेजल वर्ब बताना है। द होल टाउन वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फ्लड्स। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी का यूज, वाइप्ड आउट। द होल टाउन वॉज वाइप्ड आउट बाई फ्लड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फॉलोइंग सेंटेंस इन टू पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, इसका पैसिव बनाना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न रिपीट भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि नो सुनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम। खाली स्थान है, सी लेफ्ट फॉर होम। तो यहाँ पर जो है देन का इस्तेमाल होगा। नो सुनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम देन सी लेफ्ट फॉर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, इसमें कौन सा टेंस है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस वी फोर का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज क्विनिन टेस्ट बीटर। तो राइट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्विनिन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैथरीन सेज डैट सी खाली स्थान है इन लव बिफोर। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो खाली स्थान भरा जाएगा वो हो जाएगा हैड नेवर बीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैथरीन सेज डैट सी हैड नेवर बीन इन लव बिफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी इज सो इनोसेंट डैट सी कैनॉट डाउट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रिप्लेस द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इट इज लाइबल टू कैच फायर ईजिली। तो लाइबल टू कैच फायर, इसके लिए वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो हो जाएगा इनफ्लेमेबल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हमने कवर किया है। करीब 12 से 14 वीडियो हमने साइंस का कवर किया हुआ है, तो सभी वीडियोज़ देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दे खाली स्थान है, द रेडियो ऑल इवनिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे आर लिसनिंग टू, दे वे आर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए कितना मेहनत करके मैंने सभी प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ही सेड डैट ही हैड टू वर्क हार्ड। तो राइट इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इंटू इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो, नोबडी बिलीव्स ए लायर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डू यू बिलीव ए लायर, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, महात्मा गांधी एडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम टू स्प्लिट हेयर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू इंगेज इन डिस्कशन इरिलेवेंट डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल एंड फिल इन द ब्लैंक। खाली स्थान है, द ट्रेन अराइव सो सून। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मे द ट्रेन अराइव सो सून। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, चूज द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द बताना है ए मैन हुज वाइफ इज डेड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, विडोअर कहा जाता है, जिसकी पत्नी मर चुकी है और जिसका पति मर चुका है उसको विडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड, इसमें जो है विपरीत शब्द बताना है जेन्युइन का। तो जेन्युइन मतलब क्या होता है, रियल होता है, सच्चा होता है, तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बाकी देखिए ट्रू, एक्चुअल और फ्रैंक, ये जो है जेन्युइन के एंटोनियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इनमें से कौन सा जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अल्टरेशन सब लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से सही जो लिखा हुआ है वो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, ए एल टी ई आर ए टी आई ओ एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन। तो राइट क्या हो जाएगा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, कंबाइन द टू टू फॉर्म वन सिंपल सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस इसको बना देना है कंबाइन करके, दिस इज माई कजन हिज नेम इज राज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस इज माई कजन राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए बिल्कुल सिंपल सा इंग्लिश पूछा जा रहा है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, शैल एवर फॉरगेट यू। तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई शैल नेवर फॉरगेट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाई यूजिंग एन appropriate prefix out of the prefixes given below। यहाँ पर देखिए ability यानी prefix suffix तो आपको पता होगा, prefix पहले लगता है और suffix बाद में लगता है, तो ability का अगर हम prefix बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, inability हो जाएगा, तो right answer in लग जाएगा। उसके बाद next question देखिए, choose the correct indirect speech of the following sentence from the option below, he said hooray I have stood first। तो इसका passive क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एक्सक्लेमेड विथ जॉय डेट सी हैड स्टूड फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। इसका क्या हो जाएगा, प्रोमिसेस शुड बी कैप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई, खाली स्थान है यू मनी। तो सिंस द कीज आर विथ माई मदर आई कैनॉट लेंड यू मनी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मल रजिस्टर्स आर ऑफन यूज टू क्रिएट ए टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैरेक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, he was discovered that young man was over head and cars in love with her। तो head and cars का जो है phrasal verb आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका completely, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा completely। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि fill in the blanks with appropriate answer, Sohan says that it is better to, खाली स्थान है in the present, Sohan says that it is better to live in the present, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा live। नेक्स्ट 29 नंबर है, आइडेंटिफाई द
प्रिडिकेट इन द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो. स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी. तो फ्रेंड्स राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द यूज ऑफ एडवर्सिटी. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम च्वाइसेस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल. आई नीड खाली स्थान है फॉर माई कार. तो देखिए आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार. तो देखिए पेट्रोल का जो सही लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, PETROL. उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो. देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर. तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेन एवर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ही यूज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर्स. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फॉर्म ए न्यू वर्ड बाई एडिंग द, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स जो दिया हुआ है इसमें हम क्या कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे कि मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा. तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ अगर कलेक्शन जोड़ देंगे, COLLEC और ऑलरेडी TION दिया हुआ है, तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया कलेक्शन. ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा. उसके बाद 34 नंबर देखिए, अंजलि खाली स्थान है टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी खाली स्थान दिया हुआ है टू द यूनाइटेड स्टेट्स. तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंजलि विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो. यहाँ भी सफिक्स जोड़ना है, तो प्रीफिक्स पहले सफिक्स बाद में, मैनेज लिखा हुआ है तो इसमें अगर MENT जोड़ दें तो मैनेजमेंट हो जाएगा, तो मीनिंगफुल वर्ड हो गया. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. सुमन इज सिटिंग खाली स्थान है हर. तो सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए बिसाइड्स एस का प्रयोग कब होगा, तो इसका प्रयोग के अलावा के रूप में होता है. बिसाइड्स यहाँ मैं लिख देता हूँ BESIDES. बिसाइड्स उर्दू आई नो इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि उर्दू के अलावा मैं अंग्रेजी और हिंदी भी जानता हूँ, तो के अलावा के रूप में बिसाइड्स एस का प्रयोग होगा. ध्यान रखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. सुमन इज सिटिंग बिसाइड हर. सुमन उसके बगल में बैठी है. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. ही टॉट द स्टूडेंट टू कल्टिवेट देयर माइंड्स. तो यहाँ टॉट का आपको सिनोनिम बताना है, तो पढ़ाना होता है, यानी कि टीच. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड. वट एवर ही राइट्स इज हेजी. हेजी मतलब होता है, आप कह सकते हैं धुंधला, अस्पष्ट. तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा, साफ साफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड. नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो नाइफ्स होता है. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड. एक्सप्लोजन का एडजेक्टिव बताना है आपको, तो इसका एडजेक्टिव जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है. इसका एडजेक्टिव क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा. और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहाँ कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ज़रूर कर दीजिएगा. चूज़ द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड रेक. तो सफिक्स बाद में लगता है, यानी कि रेकन हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन. होमोफोन मतलब क्या होता है, बोलने में जो समान शब्द जैसा होता है. देखिए सबका यहाँ देखिए, हेयरलेस 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 हेयरलेस, बोलने में समान आ रहा है ना. तो देखिए द किंग डाइड, तो खाली स्थान में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हेयरलेस, मतलब निर्दयता से, निर्दयता से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब. इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब क्या होता है, मायाजाल, इस तरह से कह सकते हैं, किसी जाल मायाजाल में पड़ना. तो इसका नाउन क्या हो जाएगा, वर्ब. तो फ्रेंड्स इसका वर्ब इल्यूड हो जाएगा, यानी कि बच के निकलना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल. देयर इज खाली स्थान है कार आई बॉट एस्टरडे. तो कोई खास कार आपने खरीदा होगा ना, एक खास है, तो देयर इज द कार, यहाँ द का इस्तेमाल होगा. ऑप्शन नंबर डी, देयर इज द कार आई बॉट एस्टरडे.
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट पार्टिसिपल। द ट्रेन इज खाली स्थान है, इसको हटा दीजिए। द ट्रेन इज खाली स्थान है, यहाँ भी हटा दीजिए। आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, द ट्रेन इज पुल्ड आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रीटी यूज इन द अबव सेंटेंस। यानी प्रीटी मतलब सुंदर, खूबसूरत, और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो अगली हो जाएगा बदसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द नाउन अप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म, यानी कि अप्लीकेशन का वर्ब बताना है। तो इसका वर्ब क्या होता है अप्लीकेशन का, अप्लाई करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए, अफेक्शन का क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, तो अफेक्शनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग भी आप ध्यान रखिएगा, इसका स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है एरर दे करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल जेरंड, आई एम एडवर्स टू, तो लास्ट में ing लग जाता है, ड्रिंकिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, इट इज़ नॉट ईजी, खाली स्थान दिया हुआ है ऑल पीपल, तो इट इज़ नॉट ईजी टू प्लीज ऑल पीपल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कि फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीप, थीप का प्लूरल बताना है। लेकिन उसमें क्या पूछा गया था, नाइफ का पूछा गया था, यहाँ थीप का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, thieves। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अफेक्शन, अफेक्शन जो दिया हुआ है इसका एडवर्ब बताना है आपको। अभी पूछा गया था आपसे क्या, अभी हमने अफेक्शनेट देखा था एडजेक्टिव, और यहाँ पर आपको एडवर्ब पूछा जा रहा है, तो अफेक्शन का जो है अफेक्शनेटली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, आइदर मीरा और सुनीता विल कलेक्ट, खाली स्थान है, हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। तो आइदर मीरा और सुनीता विल कलेक्ट क्या हो जाएगा, हर हैंडबैग फ्रॉम द ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, इफ आई खाली स्थान है एनफ मनी, आई वुड बाई ऑल दीज बुक्स। तो इफ आई हैड एनफ मनी आई वुड बाई ऑल दीज बुक, तो हैड का इस्तेमाल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, तो करेक्ट लिखा हुआ है माई बुक इज हियर वेयर इज योर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट लिखा हुआ है, सी नंबर। 56 नंबर देखिए, चूज द राइट ऑप्शन टू कम्प्लीट द सेंटेंस, द सन खाली स्थान है इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ES का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा थर्ड पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि द फ्रेज कम अक्रॉस मीन्स, कम अक्रॉस का फ्रेजल क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा टू मीट और फाइंड बाय चांस, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर देखिए कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम अमंगस्ट द गिवन अल्टरनेटिव्स, डायरिया इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है डायरिया का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। डायरिया मतलब क्या होता है, दस्त होता है। उसके बाद 59 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ही ट्रेवल्स, खाली स्थान है कार, तो ही ट्रेवल्स बाई कार, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यू खाली स्थान हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, तो यू विल हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड, तो राइट आंसर विल हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर देखिए कि हिस्ट्री वॉज टॉट बाई हर चेंज इंटू एक्टिव वॉइस, एक्टिव में बदलना है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी टॉट हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग 2012, 2013 और 2010 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, खाली स्थान दिया हुआ है द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड, तो खाली स्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, अनटिल द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ए खाली स्थान है ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड लीडर मेंबर्स स्टूड इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, खाली स्थान है, एन ऑपरेशन, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडर गो का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राकेश इज श्योर, खाली स्थान है, गेटिंग ए फर्स्ट क्लास इन द कमिंग एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑफ, राकेश इज श्योर ऑफ, श्योर के साथ ऑफ का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चाइल्ड इज नॉट एट ऑल प्लीज्ड, खाली स्थान है, हर न्यू टॉय, तो यहाँ पर प्लीज्ड विथ का इस्तेमाल होगा, प्लीज के साथ विथ लगता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। वन विच कैनॉट बी करेक्टेड, उसके लिए वन वर्ड आपको बताना है, तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है इनकॉरिजिबल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेंसेटिव का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है, तो सेंसेटिव का विलोम शब्द जो है कॉलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफेंस का आपको विलोम शब्द बताना है, तो डिफेंस का विलोम शब्द जो है ऑफेंस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक्रियो का समानार्थी शब्द बताना है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्यूट का सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थक शब्द बताना है, तो एक्यूट का जो है सीवियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी खाली स्थान है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न कह रहा है कि आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन आई प्रिवेल्ड, खाली स्थान है, हिम टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आई वुड हैव गिवन हिम द नोट्स इफ ही, खाली स्थान है, टू मी एस्टरडे, हैड कम का इस्तेमाल हो जाएगा, हैड कम टू मी एस्टरडे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन, खाली स्थान है, द सेमिनार इन चंडीगढ़, तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू अटेंडिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर में दिया हुआ है कि द कस्टम ऑफिसर्स हैव कन्फिस्केटेड ए लार्ज कंसिगमेंट ऑफ ड्रग, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीज्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ वन एड्स एंड एब्स ए क्रिमिनल, ही ऑल्सो कंसिडर कल्पेबल, तो सही आंसर हो जाएगा ब्लेम वर्थी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल ट्रीज सम केमिकल्स आर यूज्ड, तो सही आंसर हो जाएगा स्टंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, खाली स्थान है, अबाउट 75% पीपल इन द कंट्री आर सो पुअर देन दे लिव, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम हैंड टू माउथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से आपको जो है करेक्ट सेंटेंस सुनना है, बताइए इसमें से कौन सा जो है करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें से सही क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, पेट्रोल इज सोल्ड बाय ए लीटर, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें से क्या जो सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए बिल्कुल सिंपल सा पूछा जाता है अंग्रेजी, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आई खाली स्थान है, माई होमवर्क वेन द लाइट वेंट आउट, आई डिड माई होमवर्क, ठीक है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई ऑफन खाली स्थान है, मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फॉलिबल, तो आई ऑफन मेक मिस्टेक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसका अपोजिट बताना है, ठीक है। तो देखिए, ही इज फैट एंड फ्लैबी बट हिज सन इज, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लीन एंड थीन, ठीक है लीन एंड थीन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस कह रहा है कि इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस, बोथ टीम वेयर वेल मैच्ड एंड फॉट टूथ एंड नेल फ्रॉम द स्टार्ट टू फिनिश, तो यहाँ पर फॉट टूथ एंड नेल का फ्रेजल वर्ब आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा, दे प्लेड विथ एवरी वॉन्स ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सेट्स,
आइडेंटिफाई इट, तो गलत जो लिखा हुआ है ये आपको बताना है, कुछ यहाँ पर एरर बताया गया है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्टिमल्स और एस्टिम्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है। तो सही लिखा हुआ है मोहन इज टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ दिस इज फेमिनिन जेंडर ऑफ ब्लॉन्ड, तो क्या हो जाएगा इसका, ब्लॉन्डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज, खाली स्थान है सो हार्ड डैट इट इट सीम्स ए ग्रे सीट एंड कर्टेंड द वर्ड अवे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वाज रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट बताना है कि कौन सा है। तो करेक्ट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, इफ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला, द खाली स्थान है इज मोर वर्सटाइल सिंगर, तो लेटर का इस्तेमाल हो जाएगा एल ए डबल टी आर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, वन ऑफ दिस इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाइड, इसमें से कौन सा सिंगुलर नहीं है, तो डाटा जो है प्लुरल है, डाटा किसका प्लुरल है, तो डेटम का प्लुरल जो होता है वो डाटा होता है, बाकी सभी जो है इसमें से नॉट सिंगुलर, सभी सिंगुलर हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स बुक माउस सभी सिंगुलर हैं। उसके बाद देखिए, कम टू माई पार्टी, खाली स्थान है सैटरडे नाइट, तो कम ऑन माई पार्टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 2005। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि पिक आउट द राइट वर्ड, इसमें से राइट क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ओकेजनली जो है सही लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है कि इंडिया इज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम, खाली स्थान है एज्स, तो कम थ्रू हो जाएगा, थ्रू का इस्तेमाल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम, खाली स्थान है एट हैंडलिंग माई इमोशंस, तो अडेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इवोक का आपको यहाँ सिनोनिम बताना है, इवोक का क्या हो जाएगा, इवोक का हो जाएगा कॉल फोर्थ। उसके बाद देखिए, कनक्लेव का क्या हो जाएगा, कनक्लेव का होता है प्राइवेट मीटिंग, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 100 से भी अधिक प्रश्नों को हमने कवर किया है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,